देश के 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ इंदु भूषण ने कहा कि सरकार चाहे तो 15 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर सकती है। मेरी सहयोगी सुमन अग्रवाल ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सर बताइए कि एक सवाल बहुत बड़ा इन दिनों आ रहा है कि 2 अक्टूबर पहले लॉन्च की बात हुई, अब 15 अगस्त, लेकिन इतनी बड़ी स्कीम, इतना बड़ा तोहफा कब देश को मिल जाएगा? देखिए, इस बारे में हम लोगों को पूरा पता नहीं है कि कब लॉन्च होगी, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम पूरा तैयार रहें। ये जैसा कि आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की स्कीम है, वही इस बात को तय करेंगे कि कब लॉन्च करना है। सर दूसरा सवाल कि अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो जो है प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि बहुत कम है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कितना होना चाहिए प्रीमियम जो है अभी, इसमें कोई बदलाव होगा या यही रहेगा? देखिए, जैसा कि आपने पहले कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्कीम है और हम लोग उसको पहली बार कर रहे हैं, तो इस समय ना तो हमको ये पता है कि कितना प्रीमियम आएगा और ना ही हमको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी पूरा पता है कि कितना प्रीमियम आएगा, क्योंकि ये जब हम 50 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं और 10 करोड़ से अधिक परिवारों की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं और हमारे विचार से इसका प्रीमियम काफ़ी कम आना चाहिए, लेकिन हमने अब तक कोई डिसाइड नहीं किया है कि कितना प्रीमियम हम लोग नेशनल लेवल पे तय करेंगे। जो प्रीमियम आएगा, जो हम लोग ओपन बिडिंग करेंगे, उसके आधार पे हम लोग तय करेंगे कि कितना होना चाहिए नेशनल लेवल पे प्रीमियम। तो इस तरह का अगर कोई किसी को कंसर्न्स हैं कि प्रीमियम कम है, तो आई थिंक वो फाउंडेशन उसकी कोई नहीं है, क्योंकि हमने एक तो प्रीमियम अभी डिसाइड ही नहीं किया है, दूसरा जब हम इसको ओपन बिडिंग करेंगे तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि कितना प्रीमियम होना चाहिए। सर अगर अस्पताल नहीं मानते हैं या कुछ आनाकानी करते हैं, और या फिर जब मरीज आता है उस वक्त वो अपने कुछ चार्जेस और कई सारी चीज़ों पे बात करते हैं, तो सज़ा का क्या प्रावधान होगा या क्या एक्शन लिए जाएंगे, मरीज कहाँ शिकायत करेंगे? देखिए, अगर अस्पताल मरीजों को एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं तो ये गलत काम होगा और ये पूरी तरह से इस पर हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे, और इस पर काफ़ी प्रावधान है, हम लोग वार्निंग इशू करेंगे, हम लोग उसके बाद हॉस्पिटल को डीम पैनल कर सकते हैं, और अगर हम कहीं देखते हैं कि हॉस्पिटल्स किसी धोखाधड़ी या कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसमें हम और भी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ। सर एक सवाल है कि जो ये डेटाबेस तैयार हो रहा है, किस आईटी कंपनी, कौन सी आईटी कंपनी तैयार कर रही है, क्या टेन्योर रहेगा, क्या आगे भी वो इसको मेंटेन करती रहेंगी? देखिए, डेटाबेस जो है वो तो एनआईसी तैयार कर रही है, एनआईसी के पास है डेटाबेस, तो हमने किसी प्राइवेट कंपनी को इसमें नहीं लिया है। जहाँ तक कि जो आईटी प्लेटफॉर्म है उसकी बात है, हमने तेलंगाना स्टेट का जो आईटी प्लेटफॉर्म है उसको लिया है और उसको हम लोग कस्टमाइज़ कर रहे हैं पूरे देश के लिए, तो इसमें जो हमारा एमओयू तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ है और तेलंगाना गवर्नमेंट टीसीएस के साथ काम कर रही है, तो टीसीएस हम लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है इस मॉडल को कस्टमाइज़ करने के लिए, और वो जब तक कस्टमाइज़ होगा थोड़ा बहुत अभी काम वो टीसीएस करेगी, उसके बाद फिर हम लोग इस समय एक बिडिंग करेंगे और जो परमानेंट जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए किसी एजेंसी को हायर करेंगे, लेकिन वो तो ओपन टेंडर सिस्टम से होगा।